वैक्सीनेशन ड्राइव जोर शोर से चल रहा है इंडिया भर में, फिर भी लोग मेरे पास आते हैं, सर कौन सा लगा लूँ, कोवैक्सीन तो मिल नहीं रहा है पर प्राइवेट में मिल रहा है, लगा लूँ कि नहीं लगा लूँ, कोविशील्ड तो मिल रहा है हर जगह, पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कोविशील्ड जो है वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को यूज़ करता है कोरोना वायरस का, और सिंपैंजी आप जानते हैं, सिंपैंजी हम लोग से पहले जनरेशन का है, सिंपैंजी का जो एडिनो वायरस होता है, सिंपैंजी एडिनो वायरस बोलते हैं, उसके ऊपर वो उसको डाल के उसको वेक्टर बना के दिया जाता है। तो रियल जो वैक्सीन है वो नहीं है, वो स्पाइक प्रोटीन यूज़ करता है, उससे भी इम्यूनिटी डेवलप करती है, पर वो जो वेक्टर डाला गया एडिनो वायरस उसके अगेंस्ट में भी कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती है और वो क्रॉस रिएक्शन होने का चांसेस रहता है। तो हमने आज बोला था कि भाई थर्ड डोज अगर कोरोना का लगना है तो क्या लगना है, तो उसमें आपको कोविशील्ड लगाने से मुश्किल हो सकता है, और इसलिए कोविशील्ड को आप जितना अवॉइड करके अगर कोवैक्सीन लग सके तो बढ़िया रहेगा। कोवैक्सीन का फ़ायदा है कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनाने का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वर्ल्ड ओवर में, उसको फॉलो किया गया है, जो कोरोना वायरस है उसको डेड करके इनएक्टिवेट करके उसको डाला गया, तो पूरा का पूरा वायरस डाला गया है, तो वो एक और ज़्यादा फ़ायदा है उसमें कि इसका थर्ड डोज फोर्थ डोज भी लगे, बूस्टर डोज भी लगे तो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा वायरस डाला गया है, एडिनो वायरस उसमें है नहीं, और एडिनो वायरस नहीं होने से उसकी जो ओरिजिनल वायरस है वो होने से एक है म्यूटेशन हो जाए, आप आपने सुना है डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, और इस तरह के अल्फ़ा बीटा सब म्यूटेंट आ गए, तो ये कोवैक्सीन हर म्यूटेंट में काम करने वाला है, ज़्यादा चांसेस है कि हर म्यूटेंट में काम करे, तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कोवैक्सीन इज़ ऑलवेज बेटर देन कोविशील्ड, और जब थर्ड डोज या बूस्टर डोज लगेगा तो आप कोविशील्ड नहीं लगा सकते, तब कोवैक्सीन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रियल वैक्सीन है। हाँ, कोवैक्सीन के ऊपर रिसर्च अभी भी थोड़ी कम है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं आई है, पर रिसर्च काफ़ी हो चुकी है, उसका डेटा WHO को जा चुका है, US गवर्नमेंट को जा चुका है, तो सूनर और लेटर वो क्लियरेंस मिलेगा, और तब ये दोनों, अगर क्लियरेंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करते हैं, दोनों बराबर आ जानी चाहिए। तो मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा आपको कोवैक्सीन लें, कोविशील्ड नहीं होना चाहिए, बट अभी इंडिया में ज़्यादातर कोविशील्ड चल रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड डोज अगर आपने कोविशील्ड की लगा भी ली है तो जब थर्ड डोज लगे या एक साल बाद फोर्थ डोज लगे तो उसमें आप कोवैक्सीन ही लगा सकते हैं, दोनों के बाद भी आप कोविशील्ड अगर लगा चुके पहले तो कोवैक्सीन फिर से लग सकता है, पर कोविशील्ड अगर बार बार लगेगा तो वो एडिनो वायरस के अगेंस्ट में जो उसकी एंटीबॉडी निकलेगा वो भी नुकसान कर सकता है। तो ये बात मैंने अपने तरह से बताई है, आपको समझना है, बट कोविशील्ड के जगह कोवैक्सीन मैं तो अभी भी प्रेफर करूँगा। ये वीडियो को आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, और ज़्यादातर हम लोग बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट करते हैं, एजुकेट करते हैं, खान पीन रहन सहन बदलते हैं, तो यहीं पे आज ख़त्म करते हैं इस बात को। थैंक यू सो मच।